फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा लक्ष्मी नारायण गार्डन से। आज मैं अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी क्योंकि होली आने वाली है। होली में गमलों का अरेंजमेंट करना है। हमारे यहाँ होली छत पे ही खेली जाती है और भयंकर होली होती है। तो मैं अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने गार्डन को सेट किया है, सेट करना शुरू किया है। अभी होली पर बहुत सारा हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो मैं अपने गार्डन का आज हमारा वीडियो बस यही है कि अपने गार्डन का व्यू दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने अपने गमले सेट किए हैं नीचे से ऊपर तक। नीचे भी गमले रखे हैं और ऊपर भी गमले रखे हैं। बड़ी मेहनत लगती है जब गमलों को उठा उठा के बाउंड्री वाल पे रखो, और बड़े बड़े भारी भारी से गमले होते हैं। कम से कम 15-15 इंच के गमले, इसमें उतनी मिट्टी भरी होती है। तो बहुत ही मेहनत लगती है, लेकिन मैं अपने पौधों को बचाने के लिए, क्योंकि रंग इतना ज़्यादा खेला जाएगा होली में। हमारे यहाँ हमारी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में इतने लोग रहते हैं और कम से कम 20-25 लोग मिलकर हम लोग होली खेलते हैं। हर साल हम लोग होली मनाते हैं और हर साल हमको अपने गमलों को का अरेंजमेंट करना पड़ता है। इस तरीके से हमारे डहलिया फ्लावर और गुलाब के प्लांट जो पौधे हैं, जो हमारे गमले में लगे हैं, मैंने सब ऊपर रखे हैं क्योंकि यही बड़े खूबसूरत से फ्लावर डहलिया के खिले हैं। आप लोगों को मैं व्यू दिखा, अपने गार्डन का व्यू दिखा रही हूँ, और बहुत सारे हमारे फ्लावर खिले हैं, उनको अरेंजमेंट करना। क्योंकि जब रंग हम लोग फेंकते हैं, खेलते हैं, पानी से भी खेलते हैं, गुलाल से भी खेलते हैं, तो उन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क हमारे गमलों पर पड़ जाता है। और देखिए, हमारा ये चांदनी के प्लांट जो मैंने सारे काटे थे और गुड़हल के काटे थे, सब सेट करे हुए, देखिए कितने खूबसूरत से रखे हैं और इसमें पत्तियाँ भी आने लगी हैं। जब हम चांदनी का प्लांट मैंने काटा था तो डीप कटिंग बिल्कुल कर दी थी, और देखिए कितनी बढ़िया से इसमें हरी हरी पत्तियाँ, दोनों दो प्लांट, दो तीन प्लांट है, दोनों प्लांट में हरी हरी पत्तियाँ आने लगी हैं। और डहलिया के फ्लावर इतने अपने फॉर्म पे हैं, बड़े खूबसूरत से लग रहे हैं। डहलिया है, गुड़हल है, सारे फ्लावर प्लांट हमारे बड़े खूबसूरत। समी का प्लांट, अब इसकी पत्तियाँ फाल हो रही हैं और कटिंग करने के बाद में इनको मैंने कटिंग किया है, देखिए। और इनकी पत्ती फाल होने के बाद में मैंने खाद इसमें भरूंगी, और खाद भरने के बाद में देखिए कितने खूबसूरत हमारे समी का प्लांट लगेगा। क्योंकि एक रेस्ट के बाद में जब फ्लावर प्लांट सही होता है, और तब उसके बाद में हमसे खाद देनी पड़ती है। और इस तरीके से हमारा ये पीपल का प्लांट है, देखिए मैंने कट कर दिया था और बहुत खूबसूरत सा इसमें भी पत्तियां निकलने लगी हैं। बहुत खूबसूरत हमारे गार्डन का व्यू है। और ये हमारे बोगनविलिया रखी है, बोगनविलिया में सारी पत्तियां वापस आ गई, सारी फॉल हो गई थी, मैंने खाद इनमें भी दे दी है और ऊपर रखा हुआ है। और हमारे जो मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड में बहुत बड़े तसले मैंने लगाया था, और मैरीगोल्ड लगातार महीने दो महीने से फ्लावरिंग कर रहा है, बिल्कुल फ्लावरिंग कमी नहीं कर रहा है। 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बनाया था, वो दिखाया था। उसके बाद में देखिए, आज मैंने जनवरी में आप लोगों को वीडियो बना के दिखाया था, और फरवरी आज 19 फरवरी हो गई, 19 फरवरी में अभी तक फ्लावरिंग नहीं कम हुई है, इतने ज़्यादा बर्ड इसमें लगी थी। तो ये मेहंदी का प्लांट है, मैंने कट कर दिया था और हरा भरा भी हो गया है। बहुत सारे प्लांट हैं और आज गुड़हल खिले हैं, तो गुड़हल की हम क्या बताएं, इतना खूबसूरत हमारे गुड़हल गार्डन में खिले हैं। छोटा पौधा है और एक साथ बड़े बड़े से फ्लावर खिले हैं, बढ़िया सी बर्ड्स इसमें हल्दी लगी हैं, और जितने ज़्यादा गुड़हल फ्लावर खिले हैं, मैं आपको इसलिए व्यू दिखा रही हूँ कि कैसे अरेंजमेंट मैंने किया है अपने गुड़हल के फ्लावरों का। ये हमारा पिंक गुड़हल है जो मैंने आपको वीडियो बनाया था, और इतनी बढ़िया सी हेल्दी बर्ड्स लगी हैं इनमें। सारी मैंने सारे गमलों को अरेंजमेंट किया है, एक तरफ सारी गुड़हल लगा दी है। और ये हमारा चांदनी का प्लांट, ये भी मैंने काटा था, ये भी देखिए हरा हरा होने लगा है, इसमें पत्तियाँ निकलने लगी हैं। जब हम समय से प्लांट काट देते हैं तो उसमें पत्ती आने लगती है, उसके बाद में छोटा का छोटा, घना का घना रहता है। इस तरीके से मैंने अपने सारे बाउंड्री वाल पे भी छोटे छोटे से गमले लगा दिए हैं। ये हमारा रबर प्लांट है, रबर प्लांट में को मैंने इसमें बांध दिया क्योंकि झुका जा रहा था, और रबर प्लांट बड़ा खूबसूरत सा रबर प्लांट हमारा है। इस समय मौसम गर्मी का आया है तो जाड़ों में थोड़ा सा इसकी पत्तियाँ फाल होने लगती हैं पीली होकर, लेकिन फिर गर्मी में फिर अपना सेट हो जाता है बढ़िया सा। और छोटे छोटे से पौधे डिफरेंट वे किया कि दो वैरायटी के प्लांट हैं मैंने इसमें अभी नए लगाए हैं, और बहुत सारे हमारे प्लांट छोटे छोटे से जो मैंने बड़े गमले के अंदर रख रखे हैं, जिसे इन पर होली का बिल्कुल रंग नान में आए। और पूरे हमारे जो टेरिस गार्डन है, टेरिस गार्डन पर बहुत होली का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम लोग होली खेलते हैं, इतना ज़्यादा पानी खेला जाता है। और हमारे ये पपीते का प्लांट है, इसमें पॉपी मैंने लगा दिया था, देखिए कितना खूबसूरत पॉपी के फ्लावर इसमें खिल रहे हैं, बड़े सुंदर से लंबी लंबी स्टिक से निकलते हैं, इनकी बड़ इतनी खूबसूरत होती है नीचे के झुकी, और जब खिलते हैं तब बढ़िया से पता नहीं चलता इतना बड़ा फूल इनके बड़ के अंदर होगा। बहुत सारा हेल्दी प्लांट हमारा पॉपी का है।
इस तरीके से हमारे बहुत सारे पौधे मैंने सब सेट किए हैं अपने गार्डन में। आज गार्डन की मैंने सफाई की है, थोड़ी थोड़ी रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तो हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनेगा। और होली का जो रंग हम लोग खेलेंगे तो उस पर हमारे पौधों पर कतई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारी मैंने पौधे जितने पौधे हैं सब ऊँचाई पर रख दिए हैं देखिए, और यहाँ पर डिस्टेंस बना दिया है जगह जगह पर खड़े होने के लिए, क्योंकि ग्रो बैग इतने बड़े हैं, ग्रो बैग को हम नहीं हटा सकते। ग्रो बैग में छोटे पौधे लगाए थे, देखिए कितने बढ़िया चल रहा है, अब इन्हें फ्लावरिंग होने वाली है। जितने भी हमने ग्रो बैग के अंदर प्लांट लगाए थे सारे प्लांट बढ़िया से हेल्दी चल रहे हैं। इसमें देखिए कितने जितने भी प्लांट लगाए थे सब हेल्दी हैं, और जो हमारा मेन प्लांट था वो भी हरा होने लगा है। इस तरीके से मैंने अपने गमलों को सेट किया है सब बाउंड्री पे, जगह जगह से मैंने चारों तरफ से आपको अपना व्यू दिखा रहा हूँ। चारों जितनी बड़ी छत है चारों तरफ मैंने गमले लगा दिए हैं, कम से कम 200-300 से कम गमले नहीं होंगे, 300 गमले मैंने लगाए हैं। और नीचे अलग नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अलग गमले हैं, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं खेलते हैं होली, बाकी जिसमें फ्लावरिंग होने के बाद में जो हमारा गुलाब का गुच्छे वाला गुलाब का जो मटर गुलाब था वो खिल के फिर से हरा होने लगा, इसमें मैंने खाद दे दी, फिर से बड बनेगी, फिर से इसमें फ्लावरिंग होगी। और हमारे 3-4 प्लांट हमारे पास बोगनविलिया के ये थे, बोगनविलिया बहुत खूबसूरत हमारा हेल्दी हरा भरा होने लगा है। और ये हमारा गुड़हल है, इस तरीके से मैंने अपने पौधों को सेट किया है नीचे से ऊपर तक। और जो बड़े बड़े पौधे हैं, जो बड़े बड़े गमले हैं, उनको ऊपर उठा के रखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, कम से कम 15 इंच के गमले में 10-12 इंच इसमें 10-12 किलो उसमें मिट्टी भरी होती है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा आज गुड़हल का फ्लावर गुच्छे वाला खिला है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, आज खिल गया है और एक बड़ी तक खुलने वाली है, और इसके साथ जो लगी है वो भी खुलने वाली है। इधर भी बड़ लगी है, चारों तरफ से बड़ लगी, इसमें बड़े बड़े खूबसूरत से हमारे गार्डन का व्यू है। चारों तरफ हमारे गार्डन में फ्लावरिंग होने वाली है, चारों तरफ गमले बने रखे हैं, जब सिंचाई कर दो तो बहुत खूबसूरत हमारे धुलाई कर दो तो पौधों बहुत सुंदर पौधे लगते हैं। इस तरीके से हमारा लेमन का प्लांट है, लेमन के प्लांट में देखिए कितने सारे फ्लावरिंग हुई है, भयंकर फ्लावरिंग हुई है, और जितना छोटा प्लांट है उससे ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग हुई है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें कम से कम अब की 100-150 नींबू 200 नींबू से कम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा, पिछली बार 20-25 लगा था, आज अब की 10 गुना इसमें नींबू लगेगा। फ्लावर देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसमें नींबू आएगा, और मैं जब नींबू आएगा, जब इसमें नींबू छोटा छोटा लगे, मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना के दिखाऊंगी, और किस तरीके से केयर करती हूँ अपने नींबू का मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरीके से हमारे गार्डन का व्यू जो है आप लोग देखें, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको मेरा गार्डन किस तरीके से लगता है। फ्लावर रोज़ के फ्लावर खिलने के बाद मैंने सारी पौधों की कटिंग करी है, हल्की शॉर्ट प्रूनिंग करी है, शॉर्ट प्रूनिंग के बाद में नए नए इसमें फिर से लीफ निकलेंगी, नए नए बड बनेंगी, और फिर से इसमें मैंने खाद चाय की पत्ती की खाद दी है, और बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग फिर करेगा। इस तरीके से मैंने चारों तरफ, ये हमारा एक और बोगनविलिया है जो पिंक कलर शेड में है, इसमें देखिए फ्लावरिंग शुरू हो गई है इसमें भी, और मैंने कट कर दिया था। इस तरीके से ये हमारा कैलेंचू का प्लांट है, बड़ा खूबसूरत खिला हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, इतना सुंदर अब पूरा खिल गया है, और जितना सुंदर प्लांट है उतना इतनी सुंदर इसकी लीव्स हैं, उससे ज़्यादा सुंदर फ्लावरिंग है, बड़ी सुंदर सी, इतना गार्डन का व्यू देखे इतना मन प्रसन्न हो जाता है। और ये हमारा मनोकामनी है, मनोकामनी भी हरी भरी होने लगी है, इसमें भी बड आ गई हैं जगह जगह पे, और इस तरीके से करंचू छोटे छोटे से जगह जगह पहले लगाए थे, बढ़िया सी फ्लावरिंग कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत से हैं। और इसमें 2-3 प्लांट थे गेंदे के, मैंने 2 हटा दिए, खराब हो गए थे, बाकी 1 प्लांट में बढ़िया सी फ्लावरिंग हुई है। करंचू के 1 प्लांट से सैकड़ों फ्लावर बन जाते हैं, और नर्सरी में यही है, इसीलिए इनको प्रॉफिट होता है, 1 प्लांट से 1000 प्लांट बना के बेचते रहते हैं। इसी तरीके से हम लोग भी अपने गार्डन से कोई भी पौधा एक अगर जो आ गया उसके बाद 1000 पौधे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए गमले अरेंज करने पड़ते हैं, उनके लिए मिट्टी की व्यवस्था करनी पड़ती है, खाद की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसी वजह से हम लोग अपने गार्डन में टेरिस गार्डन पर इतना ज़्यादा नहीं फ्लावर लगा पाते, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेरिस गार्डन पर फ्लावरों को लगाने की कोशिश करती हूँ कि हमारा टेरिस गार्डन इतना खूबसूरत रहे। लेकिन मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ती है। आज मैं 6 बजे से अपने गार्डन में जुटी हुई हूँ और 9 बज गया है, पूरा 3 घंटा लग गया है, 3 घंटे में एक मूवी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं मूवी नहीं देखती हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखती हूँ जिससे मैं टाइम वेस्ट हो, और मैं अपने गार्डन में अपना समय देती हूँ। आज संडे है, कोई रिलैक्स का समय है, और बिल्कुल भी मैं अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ। सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई, वापस आई अपने गार्डन में, 3 घंटे से मैं गार्डन
की अपनी सफाई कटाई जो प्लांट की काटने की समय होता है ये सब मैं करने के बाद में मैंने धुलाई करी है और सब सारे पौधों को सेट किया है। बड़े सुंदर से छोटे छोटे फ्लावर खिले हैं। इस तरीके से हमारे गार्डन का व्यू आपने देखा और आशा है आप लोगों को हमारे गार्डन का व्यू ज़रूर पसंद आया होगा। मैं दोबारा से एक सरसरी निगाह से आपको अपने गार्डन का व्यू दिखाती हूँ जो होली के रंग खेलने के लिए, होली में जो हम लोग रंग खेलेंगे उसके लिए अरेंजमेंट मैंने किया है अपने गार्डन का। आशा है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा कि किस तरीके से हमारा टेरिस गार्डन है, कपड़े भी फैले हैं, अपना घर है, घर में तो कपड़े भी फैलते हैं। इस तरीके से आशा है मेरा आप लोगों को टेरिस गार्डन बहुत ही पसंद आया होगा। ऐसे भी आप अपने अगर जो आप छप्पे रंग खेलते हैं रंग ज़रूर खेलें, होली का एक साल के बाद त्यौहार आता है और रंग ज़रूर खेलें और खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने गार्डन में समय बिताएँ और इस तरीके से अपने गार्डन को सजाएँ, अरेंजमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद मेरा आप लोगों से फिर से दोबारा से नमस्कार। जहाँ से मैंने वीडियो शुरू किया था मैं उसी के पास आके अपना वीडियो बंद करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।